हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज तो हम लोग अपने यहाँ गए, जो जामुन का बागान के अंदर हम लोग आए हैं। इधर तो अपना और का बाग के अंदर तो बहुत से जामुन लगे हैं, लेकिन भाव नहीं रहने के वजह से ये तो बाग के अंदर ऐसे ही छोड़ दिए। आप लोग खुद देखिए, पीक तो बहुत हुआ है, झाड़ तो देखने के लिए छोटा है, अंदर तो बहुत से जामुन इसके अंदर लगा है और ऐसे ही छोड़ दिए, कोई खाने वाला नहीं है। किलो 30 रुपये के हिसाब करके बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आदमी कोई खरीदने वाला नहीं है। इसका तो निकालने में और बेचने में तो बहुत खर्च आ जाता है। आप लोग खुद देखिए, ये तो एकदम सही जामुन है, झाड़ को जैसा, अंगूर का जैसा ये तो पीक हुआ है, फिर भी कोई खरीदने वाला नहीं है। बाग के अंदर तो ऐसे ही छोड़ दिए, कोई खाने वाला नहीं है। आप लोग अपना चैनल के द्वारा आप लोग को हम अपना गांव का जामुन का बाग कैसा रहता है और इस पेड़ को हम लोग आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इधर भी देखिए तो बड़े बड़े साइज के तो ऊपर इधर बहुत से लगे हैं, ये कोई खाने वाला नहीं है। और एक भी पेड़ आप लोग को मैं दिखाता हूँ, ऐसे ही ये लोग झाड़ को ही छोड़ दिया, पक्के है। क्या करते हैं इसके अंदर तो वो खाने से बहुत से फायदे हैं करके बताते हैं, फिर भी लोग सस्ते होने के वजह से कोई नहीं खा रहा है। और एक पेड़ भी आप लोग को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, इस साल का तो पहला पीक है करके बता रहे हैं, फिर भी तो बहुत से पीक इसके अंदर आया है, बहुत से जामुन पड़ के हैं। देखिए आप लोग अपना चैनल के द्वारा हम लोग अपना बाग के अंदर तो अपना गांव के अंदर कितना जामुन लगा है, पेड़ कैसा रहता है, आप लोग को अपना चैनल के द्वारा शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अभी देखिए कोई खाने वाला नहीं है, मेरे ख्याल से अल्लाह ने इनको परिंदों को और सबको खाने के लिए तो छोड़ दिया है। इधर से बहुत से जामुन भी नीचे गिर के हैं, देखिए। नीचे से ऊपर तक और भी छोटे छोटे कच्चे हैं और ये तो 10-15 दिन के अंदर वापस ये भी आ जाते हैं। देखिए इधर तो कहीं खुद पत्ता नहीं दिख रहा है, इधर पूरे जामुन का पीक ही दिख रहा है झाड़ के अंदर तो। ये तो नया साल है, थोड़ा बहुत इसके अंदर तो जामुन आया है। देखिए साइज भी अच्छा है इसके अंदर, बहुत से खाने में भी स्वाद अच्छा रहता है। देखिए अभी मैं दिखाता हूँ, तोड़ के कोई खाने वाला नहीं है गांव के अंदर। इंडिया के अंदर पहले बताते थे कि इसका भाव तो 100 रुपये 150 रुपये किलो करके बताते थे। झाड़ के अंदर भी बहुत से लगा है, कोई खाने वाला नहीं है। और एक झाड़ भी आप लोग को अपना चैनल के द्वारा हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जामुन का फसल ज़्यादा होने के वजह से तो ये लोग हवा को ही ऐसे ही छोड़ दे, झाड़ को तो पूरा पक के नीचे गिर गया है, खुद देखिए। देखिए अभी तो इधर तो एकदम काले काले तो बहुत से जामुन इधर तो पड़ के है और पक्के है, कोई निकालने वाला नहीं है, खाने वाला नहीं है। देखिए अंगूर का हिसाब से, जैसा अंगूर का झाड़ रहता है ना, वैसा ही इस साल में तो इसका पीक हुआ है, कोई खरीदारी नहीं है, पूरा नीचे झड़ गया है इधर तो जामुन। बाग के अंदर जामुन भी है, इधर तो आम का पेड़ भी है, आम तो अभी खत्म होने के लिए आया, ये भी जामुन का छोटा झाड़ है, पहला फसल अभी नहीं आया है और 2-3 साल लग जाता है छोटे झाड़ों को, लेकिन बड़े झाड़ों के लिए तो अभी फसल आके भी कोई फायदा नहीं है। देखते हैं अगला साल तो भी इंशाल्लाह इनकी बाग के अंदर थोड़ा बहुत फसल का भाव आता है, पैसा बन जाता है, लेकिन परवरिश तो एकदम सही तरीके से कर रहे हैं। इधर तो सपोटे का झाड़ भी है, अभी सपोटे का झाड़ सही करके बता रहे हैं,
क्योंकि साल में 2 या 3 टाइम इसका फसल आता है, थोड़ा पैसा, थोड़ा बहुत पैसा भी इन लोग को बन जाता है। झाड़ छोटा है फिर भी इसके अंदर सपोटे भी आए। आप लोगों को अपना चैनल के द्वारा सपोटे का झाड़ भी अभी शेयर करने की कोशिश करते हैं। अपना चैनल सही रहेगा तो आप लोग थोड़ा सा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिनों में हम लोग और भी अच्छे से एपिसोड आप लोगों को बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये तो सपोटे का झाड़ है, इसके अंदर थोड़ा बहुत सपोटा भी आया है। ये लोग जब भी सपोटा पकने को आता है इसको वापस तोड़ के ये लोग बेच देते हैं। ये तो सपोटा एकदम तैयार हो के है। कोई ये देखिए इसके अंदर से तो एकदम लाल रंग दिख रहा है, तो समझो कि सपोटा एकदम तैयार है। अभी काट के रख देंगे तो 2-3 दिन के अंदर ये सपोटा पिक जाएगा। सपोटे का थोड़ा बहुत भाव है लेकिन इसके अंदर पिक ज़्यादा नहीं है। ऐसे भी हम लोग अभी आप लोगों को आमले का झाड़ भी दिखाते हैं। बाग के अंदर तो इधर तो हाँ आंवले का झाड़ और अगर सपोटे के मैंगो बहुत से झाड़ इधर तो ये लोग लगाया है। अभी तो आम का फसल खत्म हो गया है, फिर जामुन का तो भाव नहीं है। ये तो आंवले का झाड़ है, आप लोग खुद देखिए इसके अंदर तो अभी आंवला नहीं आया है और 2-3 महीने के अंदर इसके अंदर फूल आ जाएगा। ये तो नीम का झाड़ है, बाग के अंदर ये लोग इसको कोई वायरस नहीं आता करके बताते, इसलिए नीम का झाड़ बाग के अंदर वो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। कभी लकड़ी भी ये लोग घर को काम आ जाती है इसलिए। आने वाले दिनों में हम लोग और भी अच्छे से एपिसोड आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे।